नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजा आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज 4 सितंबर 2020 और आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। और दोस्तों उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा रिस्क जो है कितना होता है और किस प्रकार से होता है वो सब डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं तो हमें प्रॉफिट भी किस प्रकार से हो सकता है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं यानी जब हम कोई भी ऑप्शंस में काम करते हैं तो कौन सी कॉल या पुट हमें बाय करनी चाहिए वो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही एजुकेटिव जो है होने वाला है। तो दोस्तों आपसे मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जो है वो मिलने चाहिए, यानी जितने व्यूवर्स हैं उतने लाइक जो है इस वीडियो के अंदर आने चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ हम देखिए बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब होता है वायदा बाजार। तो मुख्य रूप से 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वायदा बाजार का, जो करंट मंथ चल रहा है, जैसे अभी सितंबर का फ्यूचर और ऑप्शन, अक्टूबर का और नवंबर का फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी वायदा बाजार। दोस्तों जो कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो वायदा सीरीज के अंदर जो है ट्रेड कर रहे होते हैं उनके ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ आपको देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन को मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से जो है समझाने जा रहा हूँ। देखिए इसको हम एक प्याज के एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आज जो है प्याज का भाव है 10 रुपये प्रति केजी और आप क्या कर रहे हैं, आप एक प्रकार से एक व्यापारी हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि या तो आज आप जो है 10 रुपये के हिसाब से जो है प्याज जो है वो खरीद लें, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए मान लीजिए अक्टूबर के अंदर प्याज चाहिए और आप चाहते हैं कि अक्टूबर में भी आपको जो है ये 10 के लगभग प्राइस के ऊपर जो है मिल जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि अक्टूबर के अंदर प्याज का जो भाव है वो 30 रुपये हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप जो है इसका फ्यूचर, प्याज का एक फ्यूचर जो है अक्टूबर सीरीज का फ्यूचर जो है जो लगभग 12 रुपये के अंदर चल रहा है, ठीक है, वो आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक दूसरा आप ऑप्शन ले लेते हैं कि आप ऑप्शन जो है उसके रूप में प्याज को जो है वो खरीदते हैं। अब पहला एग्जांपल है यहाँ पर हम समझते हैं कि फ्यूचर। देखिए मान लीजिए प्याज का करंट भाव है जिसे आप खरीदने जा रहे हो 10 रुपये, ठीक है। अब आपने उसी जो बड़ा जो एक डीलर है उससे आप जो है प्याज खरीद रहे हैं और उसको अक्टूबर का जो सीरीज है उसको आप खरीद रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं कि भैया मैं आपको जो है 10 रुपये की जगह पे 12 रुपये दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे को जो है 100 केजी प्याज या यूँ मान लीजिए 1000 केजी प्याज जो है वो अक्टूबर महीने में चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसको 12 रुपये जो है वो वहाँ पर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। और वो आपसे वादा करता है क्या कि मैं 12 रुपये में आपको जो है अक्टूबर में प्याज दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, जो बंदा 12 रुपये के अंदर दे रहा है क्योंकि करंट प्राइस क्या है 10 रुपये, उसको 2 रुपये जो है एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है अक्टूबर में उसकी सप्लाई कर देगा। अब वो उसके एक प्रकार से उसकी हेडेक है कि वो कहाँ से उसको अवेलेबल करवाएगा अक्टूबर के अंदर, लेकिन अक्टूबर के अंदर जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि अक्टूबर के अंदर जो है उसकी डिलीवरी जो है उसको वो दे देगा 12 रुपये के हिसाब से, 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अक्टूबर के अंदर जो है जितनी क्वांटिटी वो बाय करेगा उतनी क्वांटिटी की डिलीवरी उसको अक्टूबर में मिल जाएगी। अब दूसरा होता है ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन का मतलब आपको मालूम है संभावना है कि अक्टूबर में प्याज जो है 30 रुपये केजी हो जाएगा। अब दूसरा आपको डर है कि हो सकता है कि अक्टूबर के अंदर 10 रुपये की जगह पे 5 रुपये केजी हो जाए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ऑप्शंस लेते हो। यानी अब मान लीजिए अक्टूबर जो सीरीज है उसका ऑप्शन, मान लीजिए अक्टूबर का जो व्यापारी है बड़ा व्यापारी वो आपको बोल रहा है कि अक्टूबर का प्रीमियम 3 रुपये है, यानी 3 रुपये दे के आप ऑर्डर जो हो बुक कर सकते हैं, ठीक है, 3 रुपये दे के आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे अक्टूबर के लिए उससे 3 रुपये का एक प्रीमियर जो है वो उसको बड़े व्यापारी को दे दोगे और उसको आप क्वांटिटी की 1000 केजी चाहिए, 2000 चाहिए, 5000, 10000 केजी जो भी चाहिए वो एक लोट साइज होगा। अब वो डिपेंड करता है जो बड़ा व्यापारी है वो उसको डिसाइड करेगा कि आपको कम से कम 1000 क्वांटिटी लेनी होगी या 2000 केजी लेना होगा या 3000 केजी लेना होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा
कि अक्टूबर 3 रुपये का प्रीमियर आप उसको दे दोगे। अब मान लीजिए अक्टूबर में प्याज जो है वो हो गया कितना रुपये केजी, 30 रुपये केजी। तो आप क्या करोगे, आपने उससे क्या है 3 रुपये का प्रीमियर दिया है, तो आपको वो बड़ा व्यापारी जो है जिसने जिसको आपने 3 रुपये का प्रीमियर दिया है वो आपको करंट जो प्राइस यानी आज की जो प्राइस है 10 रुपये के हिसाब से, वो क्या करेगा आपको जितना केजी का आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे उससे यानी ऑप्शंस के अंदर आप जितनी क्वांटिटी डालोगे वो आप उससे अक्टूबर के अंदर ले सकते हो, ये हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए प्याज की कीमत जो है अक्टूबर के अंदर 10 रुपये से गिरकर जो है 5 रुपये पे आ गई, अब आप वहाँ पर सोचोगे कि मैंने 3 रुपये का प्रीमियर दे दिया और करंट टाइम के अंदर प्याज जो है 5 रुपये केजी के अंदर मिल रहा है, तो यहाँ पर 5+3 जो है कितना हो गया 8 रुपीज़ का हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि देखिए अगर आप उससे लोगे उस वायदा जो आपने जो वादा किया है उसके हिसाब से अगर लोगे तो आपको जो कीमत पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, जो है 10+3 रुपये का प्रीमियर आपने दिया तो 13 रुपये के हिसाब से पड़ेगी। और अगर आप मान लीजिए 3 रुपये आप वो भूल जाते हो और 5 रुपये करंट प्राइस है, मान लीजिए अक्टूबर में 5 रुपये के जी मिल रहा है तो 8 रुपये के अंदर ही आपको प्याज मिल रहा है, तो आप क्या करोगे उस प्रीमियर को भूल जाओगे। यानी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो जो है उसको प्याज को जो है ले सकते हो और चाहे तो उसको नहीं ले सकते हो। अगर आप नहीं लोगे तो आपका प्रीमियर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी साधारण भाषा में कहें तो हमारे जैसे मान लीजिए राजस्थान में कि खाया पिया हो जाएगा, तो 3 रुपये जो है वो खाया पिया हो जाएगा। यानी वो व्यापारी जो है जिसने प्रीमियर लिया है अगर आप नहीं लेते हो डिलीवरी तो 3 रुपये वो आपको वापस नहीं करेगा। तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन। अब देखिए एक दोनों में डिफरेंस है, फ्यूचर के अंदर अगर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो अगर आपने एक्सपायरी की लास्ट डेट तक उस कॉन्ट्रैक्ट को राइट ऑफ नहीं किया, मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया ठीक है प्याज का, तो अगर आपने मंथ की एक्सपायरी तक उसको राइट ऑफ नहीं किया तो लास्ट मंथ के लास्ट में आपको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी ठीक है। और लेकिन ऑप्शंस के अंदर आप चाहे तो डिलीवरी ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए फ्यूचर जो है वो बाय करते हैं सेल करते हैं तो उसके ऊपर किस प्रकार से हमें प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, उससे समझने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की कैश की आज प्राइस है 206 रुपये और SBI का शेयर का जो सितंबर का जो फ्यूचर है उसकी करंट प्राइस है 208 रुपये और लॉट साइज है 3000, यानी आपको कम से कम 3000 क्वांटिटी जो है बाय करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आपको यहाँ बता देता हूँ कि केस के अंदर जब हम कोई शेयर बाय करते हैं तो उसको केवल हम बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम उसको सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। और दोस्तों फ्यूचर के अंदर देखिए क्या होता है, जो ब्रोकर जो होते हैं वो हमें मार्जिन देते हैं, यानी जैसे मान लो कुल जो प्राइस होती है लॉट साइज़ की उसकी 20%, 10%, 40% वो सब ब्रोकर अपना अपना हिसाब से देते हैं, तो उस प्राइस के ऊपर ही हम जो है उसको बाय कर लेते हैं। तो यहां देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो सितंबर का जो फ्यूचर है 208 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लॉट साइज 3000 है, आपने मान लीजिए आज ये हाई बनाया था 213 रुपये का, तो मान लीजिए आपने 213 के ऊपर इसको बाय कर लिया, 3000 क्वांटिटी एक लॉट आपने ले लिया और आज ये है क्लोज हुआ कितने के ऊपर, 208 रुपये के ऊपर, यानी आपको प्रति शेयर कितने रुपए का लॉस हुआ, 5 रुपये का, तो आपका जो टोटल जो लॉस है वो कितना हो गया 3000, क्योंकि आपके पास कितना था एक लॉट में 3000 शेयर थे, तो 3000 × 5 टोटल लॉस कितना हो गया 15000 रुपये आज का। अब मान लीजिए आपने एक लॉट 15000 रुपये से जो है इसको बाय किया था, तो अब आपने तो सोचा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर अपसाइड में जाएगा लेकिन ये डाउनसाइड में आ गया, तो आपका पूरा पैसा यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, अगर आपने 15000 का मार्जिन देके इसको लिया था। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये शेयर और ज़्यादा गिर जाता है और आज इसकी क्लोजिंग होती है 203 रुपये के ऊपर, तो आपको प्रति शेयर कितने का हो गया, 213 में लिया था, 213 - 203 तो आपको 10 रुपये का लॉस हुआ प्रति शेयर हो गया, तो 10 × 3000 तो आपको 30000 रुपये का लॉस हो गया। आपने मार्जिन से मान लीजिए 15000 के मार्जिन से एक लॉट बाय किया था तो वो लॉस हो गया आपको 30000 रुपये का, तो ब्रोकर आपको फ़ोन करेगा और बोलेगा भैया 15000 रुपये आपके थे, 15000 रुपये और जमा कराइए, यदि आप जमा नहीं कराओगे तो ब्रोकर जो है उसके लिए आपसे इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर वसूल करेगा और आपको पैसा जमा कराना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है फ्यूचर और ऑप्शन जो होते हैं वो केवल उन्हीं के एक्टिवेट किए जाते हैं जो तो या तो सैलरीड पर्सन होते हैं या कोई बिजनेसमैन होते हैं, यानी उनकी जिनकी आय का जो सोर्स जो है आप प्रूफ दिखाते हो उनके फ्यूचर ऑप्शन जो है एक्टिवेटेड किए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप इसीलिए कहते हैं कि देखिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको कोई बड़ा लॉस नहीं होता। मान लीजिए आपने यहाँ पर अगर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया होता 213 के अंदर 208 पे आता था या 200 रुपए पे आता, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप जब बढ़ता तो उसको सेल कर देते, लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से फ्यूचर के अंदर और ऑप्शंस के अंदर हमारी जो मोटी जो कमाई होती है वो एक साथ जो है एक झटके के अंदर जो है खत्म हो सकती है। और तभी कहते हैं कि देखिए कई बार क्या होता है कि हम मार्केट में अब सुनते हैं कि उनका पूरा पैसा लॉस हो गया और उसने जो है कुछ गलत जो है डायरेक्शन के अंदर काम कर लिया। तो कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे के लोगों के घर बिक जाते हैं, मकान बिक जाते हैं, और वो जो बिकते हैं उनका रीज़न ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है। ठीक है, अब मेरी नज़र के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन एक प्रकार से जुआ है, ठीक है, एक ट्रेडिंग है। तो जिनको अगर नॉलेज बहुत अच्छी हो, ठीक है, और साथ के अंदर जिनका मार्केट के प्रति एक प्रकार से जिनका नॉलेज बहुत शानदार हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रिस्क फैक्टर्स को अच्छी तरह समझ सकता हो और एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर हो, वही इसके अंदर जो है उसको ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर काम करना चाहिए। आम निवेशक को जिनको मार्केट के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है उनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर मेरे हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, उनको पैसा जो है स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, केस जो सेगमेंट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दोस्तों सेम चीज़ प्रॉफिट के अंदर भी होती है। मान लीजिए आपने 208 213 के ऊपर बाय किया और आज अगर 220 रुपये बढ़ गया, ठीक है, आज ही मान लो 220 की जगह पे 200 जो है 23 रुपये चला गया, तो एक शेयर के ऊपर 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो 10 इंटू जो है 30,000 का प्रॉफिट आपको एक दिन में भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें दोनों फैक्ट होते हैं, आपको जितना एक दिन के अंदर जो है काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है तो उतना ही आपको लॉस भी हो सकता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। बात कर लेते हैं ऑप्शंस की, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस होते हैं उनके दो टाइप होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक होती है पुट ऑप्शंस। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए आप कोई भी ऑप्शंस को यानी कोई कॉल या पुट को बाय करते हैं तो कोई ना कोई उसको बेचने वाला होता है, और देखिए कॉल और पुट को जो सेल करते हैं उन्हें ऑप्शन राइटर्स बोलते हैं। यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए जो ऑप्शंस को जो है राइट करते हैं या सेल करते हैं उनको जो है लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, इसके ऊपर हम कभी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ऑप्शंस जो राइटर्स होते हैं उनके उनको जो है लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड उनको लॉस हो सकता है, फिर भी वो ऑप्शंस राइट जो है करते हैं यानी कॉल या पुट को सेल करते हैं प्रोफेशनल तरीके से और अच्छा पैसा भी कमाते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे, यहाँ हम बात कर लेते हैं देखिए कॉल और पुट की। तो ऑप्शंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, यानी यहाँ पर एक बायर होता है एक सेलर होता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, एक होती है कॉल ऑप्शन और एक होती है पुट ऑप्शंस। दोस्तों यहाँ आपको एक चीज़ समझना है, कॉल ऑप्शंस आपको कब बाय करनी है। मान लीजिए कोई शेयर जो है वो 100 रुपये का है, आपको लगता है कि एक्सपायरी तक, ठीक है, चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो मंथली एक्सपायरी हो, एक्सपायरी तक आपको लग रहा है कि ये शेयर जो है 100 रुपये से 110 जाएगा, 115 जाएगा या 120 जाएगा, तो आप उसकी कॉल यानी सीई जो है बाय कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों दूसरी होती है पीई यानी पुट ऑप्शंस, ठीक है, आपको लग रहा है कि शेयर 100 रुपये के ऊपर है और लग रहा है कि ये 100 रुपये से 80 रुपये या 90 रुपये तक गिर सकता है, तो यहाँ पर आप उसकी क्या करोगे, पीई बाय करोगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं आप अच्छी तरह समझा दें, ऑप्शंस जो है टू टाइप्स के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस। अब यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का केस प्राइस जो है वो 206 रुपये है, ठीक है, केस में प्राइस है 206 रुपये, और मान लीजिए फ्यूचर के अंदर प्राइस है 208 रुपये, उसको हम छोड़ते हैं, उसका एग्जाम्पल आपको पहले ही बता दिया गया है। आपको लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मंथ की एक्सपायरी तक 230 रुपये तक हो जाएगा, ठीक है, और आप फ्यूचर जो है क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा रिस्क है उसके अंदर, तो आप फ्यूचर बाय नहीं करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर आपको मैंने बताया ना कि आपका जो है अनलिमिटेड जो है लॉस हो सकता है, और आपको जितना लॉस होगा उतना आपको, अगर आपके पास आपने पैसा नहीं है तो उतना पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा, लेकिन तो आपको यहाँ पर देखिए लिमिटेड रिस्क के अंदर काम करना है तो यहाँ पर ऑप्शंस ले सकते हैं। आपको लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मंथ की एक्सपायरी तक इसका शेयर 230 तक जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसकी 200 रुपये की सी यानी कॉल बाय करें, ठीक है, जो 13.40 रुपये की है, या फिर दूसरी मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले रहे 210 की सी यानी 210 रुपये की कॉल जो जिसका करंट प्राइस है 8.20 रुपये। अब आपको 200 चूज कौन सी करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जिसका प्रीमियर कम देना पड़े आपको वो कॉल यहाँ पर बाय
करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 200 रुपये की जो कॉल है सी है वो 13 रुपये 40 पैसे की है, करंट प्राइस यहाँ पे 206 रुपये है, तो यहाँ पर आपको प्रीमियर कितना देना पड़ रहा है, लगभग 7 रुपये का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब 210 रुपये की जो सी ले रहे हैं उसकी करंट प्राइस जो है कितनी है, 8 रुपये 20 पैसे, 8 रुपये लगभग मान लीजिए, और चूंकि स्टॉक जो है 206 पे चल रहा है तो 8 और 4 12 रुपये का प्रीमियर, यानी यहाँ पर आपको 200 रुपये की सी के अंदर मात्र 7 रुपये का प्रीमियर देना पड़ रहा है बजाय 12 रुपये के। तो आप यहाँ पर 200 रुपये की जो कॉल है उसको चूज करोगे, और यह आपने इसको बाय कर ली, आपने 200 रुपये की जो कॉल जो ऑप्शन है वो 13 रुपये और 50 पैसे के अंदर ले ली। अब मान लीजिए एक्सपायरी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो कहाँ पर क्लोज हो गया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, 230 रुपये और 40 पैसे के ऊपर जो है क्लोज हो गया, ठीक, फिक्स बताया हूँ यहाँ पे ताकि गुना भाग करने में जो है कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो अब एक्सपायरी वाले दिन जो है 230 रुपये 4 पैसे के ऊपर क्लोज हो गया, तो अब आपको प्रॉफिट जो है कितना होगा, देखिए आपने 230.40, ठीक है, माइनस देखिए प्रीमियर कितना दिया था, 213 रुपये का दिया था, तो 200 के ऊपर जो है आप बाय करते 200 प्लस 13, तो प्रीमियर 213.40, तो यहाँ आपको जो है 17 रुपये का जो है प्रॉफिट जो है वो हो गया। अब देखिए लोट साइज कितना है इसका, 3000 का लोट साइज है, ठीक है, तो 17 × 3000 यानी आपको दोस्तों 51,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर ये 230 के ऊपर जो है 230.4 के ऊपर क्लोज होती है। अब देखिए आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, इसमें देखिए टाइम डीके सिस्टम भी होता है, अगर समय के हिसाब से दोस्तों प्रीमियर जो है घटता और बढ़ता है, ठीक है, और स्टॉक की जो वैल्यू होती है, अब यहाँ पे आपको दोस्तों हमेशा ध्यान में रखनी है अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक्सपायरी से पहले जो है ख़त्म कर लेना है, यानी जिस दिन एक्सपायरी हो उसके अंदर जो है आपको मार्केट क्लोज होने से पहले आपको उसको क्लोज कर लेना है, और आप अपना प्रॉफिट या जो लॉस है उसको बुक कर लेना है। अब मान लीजिए दूसरी सिचुएशन है कि एक्सपायरी को क्लोजिंग जो है वो 200 रुपये से कम हो गई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टॉक के अंदर गिरावट आ गई और एक्सपायरी के अंदर क्लोजिंग जो है 200 रुपये से कम हो गई, तो उस स्थिति के अंदर अगर आपने इसको पहले ही स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इसको सेल नहीं किया इस कॉल को, तो आपका पूरा पैसा दोस्तों जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए कॉल और पुट ऑप्शन में काम करते समय हमेशा स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, और बिल्कुल उस स्टॉक की चाल को भी समझना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट भी रखना है, अदरवाइज अगर आपको टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उस स्थिति के अंदर जो है आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया, और सेम सिचुएशन है पुट के अंदर, पुट के अंदर आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो 206 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको लग रहा है कि अभी स्टेट बैंक अभी जो है गिरावट है मार्केट में, आपको लग रहा है कि ये 200 रुपये तक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों 210 रुपये की पुट जो है वो बाय कर लोगे, ठीक है, और उसको बाय करोगे, तो जैसे जैसे स्टॉक जो है नीचे की तरफ जाएगा, 200 रुपये की तरफ जाएगा या मान लीजिए 190 की तरफ जाएगा, तो आपका प्रॉफिट जो है उतना परसेंटेज के अंदर जो है आपका प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन लेकिन पुट के अंदर क्या होता है, आपको प्रॉफिट कब होगा, जब स्टॉक जो है नीचे गिरेगा, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने पुट बाय कर ली, ठीक है, 210 रुपए की पुट बाय कर ली और स्टॉक जो है वह 206 रुपए से वापस 210 रुपए के ऊपर आने लग गया और 210 रुपए से ऊपर चला गया, तो उस स्थिति के अंदर आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया आपको कॉल और पुट ऑप्शंस, आई थिंक आप अच्छी तरह से इसके अंदर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको काम करना है, किस प्रकार से आपको अपना रिस्क जो है मैनेजमेंट इसके अंदर करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राइस के हिसाब से कॉल या पुट के टाइप होते हैं या प्रकार होते हैं, नंबर एक होती है इन द मनी कॉल या पुट ऑप्शन, नंबर टू होती है एट द मनी कॉल या पुट ऑप्शन, और नंबर थ्री होती है आउट द मनी कॉल या पुट ऑप्शंस। देखिए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर से इसे समझते हैं, मान लीजिए उसकी करंट प्राइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करंट प्राइस 206 रुपये है, तो अब देखिए कौन सी इन द मनी होगी, कौन सी एट द मनी होगी, कौन सी आउट द मनी कॉल होगी, तो सबसे पहले समझते हैं फॉर कॉल ऑप्शंस के लिए। तो देखिए इन द मनी कॉल कौन सी होगी, 200 रुपए की, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 200 रुपए की कॉल खरीद रहे हैं तो वो इन द मनी कॉल होगी, और अगर आप 205 रुपए की कॉल खरीद रहे हैं तो वो एट द मनी कॉल होगी, क्योंकि वो जस्ट उसके प्राइस के जस्ट नीचे है तो वो एट द मनी कॉल होगी, और अगर आप 210 रुपए की कॉल बाय कर रहे हैं तो वो आउट द मनी कॉल होगी। अब उसको पुट के लिए समझते हैं, देखिए अगर आप कोई पुट बाय कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर नीचे गिरेगा तो आप पुट बाय कर रहे हैं, तो देखिए उसके लिए पुट के लिए इन द मनी जो पुट होगी वो क्या होगी, 210 रुपए की, क्योंकि स्टॉक जो है 206 के ऊपर चल रहा है, तो 210 के आप बाय करोगे पुट तो वो इन द मनी पुट होगी या पीई होगी। दूसरी होगी एट द मनी, एट द मनी क्या होगी, 206 के ऊपर है तो 207 रुपए की जो पुट है वो एट द मनी पुट होगी, और दोस्तों आउट द मनी जो पुट होगी वो होगी 200 रुपए की, क्योंकि स्टॉक जो है 206 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप आउट द मनी जो है 200 रुपए की अगर पुट बाय करें तो आउट द मनी पुट होगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमेशा दोस्तों अगर आपको एक अच्छा बेनिफिट चाहिए और अच्छा रिजल्ट चाहिए और अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो हमेशा मेरी जो राय है वो ये है कि हमेशा आपको इन द मनी
कॉल या पुट ही बाय करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आप जो है अगर आपको आपके हिसाब से अगर मान लीजिए स्टॉक के अंदर जो है मूवमेंट नहीं आता है तो आप उससे एग्जिट जो है आसानी से ले सकते हैं और आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसलिए हमेशा इन द मनी कॉल या पुट ही बाय करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास देखिए, जब हम कोई भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 200 रुपए की कॉल जो है वो बाय कर ली, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जो है वो हमारे इच्छा अनुसार जो है अपसाइड के अंदर मूवमेंट नहीं किया और हमें लॉस हो गया, तो हमारे पास जो है ऑप्शन होता है कि जो हमने प्रीमियम जो दिया है उस कॉल का जो प्रीमियम दिया है उसको हम भूल सकते हैं और जो है हमें फिजिकल डिलीवरी लेने की कोई ज़रूरत या कंपलसरी नहीं होती। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर अगर बाय कर लेंगे और एक्सपायरी से पहले उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसे खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो लोट साइज है, जितना लोट लेते हैं उसमें जितनी क्वांटिटी होती है उसकी फिजिकल डिलीवरी है वो हमें लेनी ही पड़ती है। तो दोस्तों हमेशा ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप काम करते हुए ये बेसिक चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर। मैंने आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस को जो है बहुत साधारण तरीके से समझा दिया है, अच्छी तरीके से बता दिया है और आपको ये भी बता दिया है कि आपको अगर कॉल या पुट बाय करनी है तो किस प्रकार से करनी है और कौन सी बाय करनी है। यानी आपको कोई भी कॉल या पुट वो बाय करनी है जिसमें आपको प्रीमियम जो है वो कम देना पड़े, तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। और साथ में आपको ये भी बताया है कि इन द मनी कॉल या पुट जो है वो आपको बाय करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। बाकी आप प्रीमियर है उसको भी कैलकुलेट करना है कि किसमें प्रीमियर कम या ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही एजुकेटिव था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।